हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स होपफुली यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हमने स्टेमन की स्ट्रक्चर की डिस्कशन कर ली थी, उसकी लोब्स की डिस्कशन कर ली थी, फिलामेंट उसके, राइट, उसके लेंथ क्या होती है स्टेमन की, कैसी कैसी टाइप्स हो सकती हैं उसकी, अगर एंथर्स फ्री हो तो क्या बोलते हैं, ये हम सारा डिस्कस कर चुके थे। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के एडहेशन की। मतलब बेटा, जब भी मैं टर्म एडहेशन यूज़ करूँगी ना, तो इसका मतलब है कि जो एंथर्स हैं वो किसी डिससिमिलर वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, किसी अलग वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि पेटल्स के साथ जुड़े हो सकते हैं, राइट। और जब मैं कोहेशन टर्म यूज़ करूँगी, इसका मतलब है वो एंथर्स खुद के साथ ही जुड़े हुए हैं, एंथर्स के साथ ही जुड़े हुए हैं। सो एंड्रोशियम एडहेशन मीन्स फ्यूजन विद द डिससिमिलर वर्ल्ड, क्लियर। तो एडहेशन का मतलब हो गया फ्यूजन ऑफ द स्टेमन्स विद द वर्ल्ड्स ऑफ द फ्लावर। सो फ्यूजन ऑफ एंथर विद द वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, दिस इज नोन एज एडहेशन। बेटा अगर ऐसा है तो अभी एंड्रोशियम के एडहेशन के टाइप्स हैं, जैसे फर्स्ट है एपी पैटलस। एपी क्या होता है? अबव। अब ये पैटल्स के ऊपर जुड़े हुए हैं, सो फ्यूज्ड विद द पैटल्स। सी, फ्यूज्ड विद द पैटल्स। आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है ऐसे, ये अगर पैटल है तो पैटल के साथ ऐसे जुड़े से होते हैं कई बार स्टेमन, सो दे आर फ्यूज्ड विद द पैटल्स। दिस इज कॉल्ड एज एपी पैटलस कंडीशन। एंड हेयर द परफेक्ट एग्जाम्पल इज सोलनम and another example is petunia, okay। another beta jo hai that is epitapylus, epitapylus। students mujhe jaldi se batao tapals kya hota hai, maine pehle bhi karwaya hua hai, tapal kya hota hai? tapal hota hai jab petal aur sepal dono fused ho, distinct na ho, alag na ho, to usko bolte hain hum tapal। aur complete world ko bolte hain hum perianth। क्या बोलते हैं? पेरियांत। इसको एपिटेपलस भी बोलते हैं और एपिफिलस भी बोलते हैं, ओके। तो हेयर इट इज अ फ्यूज्ड, हेयर द एंथर्स आर फ्यूज्ड विद द टेपल्स, राइट। फॉर एग्जांपल द प्लांट हेयर इज एस्फोडीलस, बट इट्स अ नेम ऑफ द प्लांट एस्फोडीलस। अनदर कंडीशन इज गाइनैंड्रस, गाइनैंड्रस। अब थोड़ा हिंट और होगा गाइने वर्ड से, है ना बेटा। गाइनैंड्रस हेयर द स्टेमन्स आर अटैच्ड विद द पिस्टिल, स्टेमन्स आर अटैच्ड विद पिस्टिल, पिस्टिल के साथ अटैच हैं। जैसे कि फैमिली एस्किप्लिडेसी, ये कौन सी फैमिली है भाई? एस्किप्लिडेसी, एस्किप्लिडेसी फैमिली होती है आक की। आक इसको हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में बोलते हैं। अदरवाइज इसका जो एक मेंबर है एस्किप्लिडेसी फैमिली का, वो है कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस को ही आक बोलते हैं। बेटा ये कैलोट्रोपिस का प्लांट जो होता है ना, अगर मैं इसके लीव्स को या इसके फ्लावर को तोड़ूँ तो उसमें वाइट सा लिक्विड निकलता है, वाइट लिक्विड, मिल्की एल्कलॉइड निकलता है, ओके। तो ये थी एंड्रोशियम की एडहेशन। बेटा एडहेशन पता लग गया ना, दैट इज़ फ्यूजन विद द डिससिमिलर वर्ल्ड, ओके। और एपी पैटलस, एपी टैपलस और गाइनैंड्रस इसकी ही आगे टाइप्स हैं। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के कोहेशन की। बेटा कोहेशन, यू नो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, कोहेशन होता है सेम वर्ल्ड के साथ जुड़ना। सो अब है एंड्रोशियम कोहेशन, दैट इज़ अटैचमेंट ऑफ स्टेमन्स विद अदर, विद स्टेमन्स। अटैचमेंट ऑफ स्टेमन विद द स्टेमन्स मतलब सेम वर्ल्ड के साथ ही अटैच है, ओके। सेम वर्ल्ड के साथ ही अटैच होगा, ओके। नाउ इसकी आगे हम टाइप्स की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप है एडल्फस। बेटा बहुत न्यू टर्म्स आ रही हैं मॉर्फोलॉजी में, तो अभी के अभी साथ साथ में कर लेना बेटा, फिर इजी हो जाएगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एडल्फस कंडीशन, बेटा एडल्फस क्या होता है? अगर ये देखो ये स्टेमन है ना, अगर
ये भी स्टेमन है। अगर स्टेमन्स की ओनली फिलामेंट्स जुड़ी हों, ऊपर एंथ्रलोब्स ना जुड़ी हों, तो उसको बोलते हैं कौन सी कंडीशन, एडल्फस कंडीशन बोलेंगे। क्लियर? तो बोलेंगे एडल्फस कंडीश्शन। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेक श्योर दैट आपको समझ में आ रहा हो, राइट? सो फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स ओनली, राइट? एडल्फस की आगे और टाइप्स हैं, मोनो एडल्फस, राइट? और है सिंजनीशियस, और है सिनैंड्रस। तो आगे एडल्फस की आगे तीन टाइप्स हैं, मोनो एडल्फस, सिंजनीशियस एंड सिनैंड्रस। तो हम बात कर रहे हैं पहले मोनो एडल्फस की, ओके? मोनो एडल्फस की बात करेंगे बेटा। मोनो एडल्फस मीन्स, अब देखो मोनो मतलब सिंगल, क्या सिंगल, सिंगल ग्रुप बनेगा इसमें, एक ही ग्रुप बनेगा, राइट? ये देखो मोनो एडल्फस मीन्स फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स टू फॉर्म जस्ट वन ग्रुप। सो फिलामेंट्स बेटा, मैंने एडल्फस की, सॉरी बेटा, मैंने एडल्फस की जो टाइप्स कराई है ना, एडल्फस की टाइप्स जो हैं वो सिंजनीशियस नहीं है, डायडल्फस एंड पॉलीडल्फस है, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। मोनोडल्फस फिलामेंट फ्यूज टू फॉर्म वन ग्रुप ओनली, एक ग्रुप बनेगा फिलामेंट फ्यूज होके। ये देखो ये जैसे सारे फिलामेंट्स हैं, ये फ्यूज़ हो गए, ऊपर क्या है ये देखो, ये एंथ्रलोब्स। तो फिलामेंट्स फ्यूज़ होके नीचे, ये फिलामेंट्स का ग्रुप है, फिलामेंट्स ने फ्यूज़ होके जस्ट एक ग्रुप बना दिया, तो उसको हम बोलेंगे मोनोडल्फस। डायडल्फस फ्यूजन ऑफ एंथर्स, यहाँ पे डायडल्फस मीन्स फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स एंड फॉर्म टू ग्रुप्स, ओके? सो फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स दे फॉर्म टू ग्रुप्स, फ्यूजन ऑफ फिलामेंट्स फॉर्म टू ग्रुप्स, उसको बोलते हैं डायडल्फस। डाय मतलब टू, तो ये किस में होता है, पी में। बेटा पी जो होता है ना, पी का फ्लावर होता है, याद है मैंने पी में आपको बताया था इसकी कंडीशन क्या होती है, पी में पैपिलियोनेशियस करोला होता है। बेटा इसके जो फिलामेंट्स होते हैं ना, उसकी अरेंजमेंट कैसे होती है, 9+1 अरेंजमेंट, मतलब 9 एंथर्स एक ग्रुप में होंगे। ये देखो नौ एंथर्स एक ग्रुप में और एक एंथर अकेला, ये देखो, तो ये दो ग्रुप्स बन गए डायडल्फस। 9+1 अरेंजमेंट इन द पी। पॉलीडल्फस मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे, ये देखो, ये देखो, तो मैंने एक थर्ड ग्रुप नहीं दिखाया, मतलब बहुत सारे ग्रुप्स बनेंगे। क्लियर? सो व्हेन मैनी ग्रुप्स आर फॉर्म्ड, इट इज़ नोन एज पॉलीडल्फस, एंड हेयर द परफेक्ट एग्जाम्पल इज सिट्रस। तो एंड्रोशियम के कोहेशन, मतलब अटैचमेंट ऑफ द स्टेमन्स विद द स्टेमन विद द सेम वर्ल, इसकी आगे टाइप्स हैं। तो मैंने फर्स्ट टाइप कराई है अभी आपको, एडल्फस। एडल्फस में आगे टाइप्स हैं, मोनो एडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस। एडल्फस में सिर्फ फिलामेंट्स की फ्यूजन होती है, एंथर्स फ्री रहते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे सेकंड टाइप, एडल्फस के बाद सेकंड टाइप है सिंजनीशियस। सिंजनीशियस इसमें क्या होता है बेटा, सिंजनीशियस में क्या होता है, ध्यान देना, सिंजनीशियस में फ्यूजन ऑफ एंथर्स ओनली, बस देयर इज अ फ्यूजन ऑफ एंथर्स ओनली, ओनली एंथर्स फ्यूज करेंगे, फिलामेंट्स क्या रहेंगे, फ्री लाइक दिस, सी
देखो फिलामेंट फ्री दिखाया मैंने, पीछे से भी मैं एक एंथर दिखा रही हूँ, उसकी फिलामेंट जो होगी वो क्या होएगी, ये देखो पीछे से फ्री। तो एंथर लोब्स आर, एंथर लोब्स आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स आर फ्री, राइट। फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है, बड़े ये फ्यूज्ड एंथर ना रिंग बना लेते हैं, देखो ये भी जुड़ जाएगी इधर ऐसे, पूरी रिंग बन जाएगी, समटाइम्स गाइनोशियम के अराउंड रिंग बन जाती है, लाइक इन केस ऑफ सनफ्लावर, राइट। सो फ्यूज्ड एंथर फॉर्म रिंग अराउंड गाइनोशियम इन सनफ्लावर, ओके बेटा ये क्लियर है ना। नाउ द थर्ड पार्ट वो है सिनैंड्रस, सिनैंड्रस बेटा, सिनैंड्रस में क्या होगा आप ध्यान दो, सिनैंड्रस में क्या होगा, फ्यूजन दोनों की होगी, फिलामेंट की भी और एंथर की भी। सो हेयर इज अ फ्यूजन ऑफ बोथ एंथर एंड फिलामेंट दोनों की। इसकी जो परफेक्ट एग्जांपल है वो है कुकरबिटा, ये मैंने पहले भी कई बार बताया, कुकरबिटा में क्या आते हैं, क्यूकम्बर्स, राइट, लोफा दैट इज तोरी, पम्पकिन, ये सारे कुकरबिट्स में ही आते हैं। तो इसमें कैसे होगा, ये देखो ये सारे फ्यूज्ड हैं, ये देखो ये मैंने एंथर लोब सारी फ्यूज दिखा दी, इनके फिलामेंट्स भी फ्यूज दिखा दिए सारे, ये देखो। सो ये कंडीशन क्या होगी, सिनैंड्रस, क्लियर। तो हमने अभी अभी एंथर की कोहेशन कंप्लीट कर ली, उसके साथ साथ एंथर की एडहेशन भी कंप्लीट होगी। अब हम बात करेंगे एंड्रोशियम के स्टैमिनल वर्ल्स की, अब हम बात करेंगे स्टेमन के यानी कि एंड्रोशियम के स्टैमिनल वर्ल्स की। तो जो हमारा टॉपिक है वो है एंड्रोशियम के अंडर ही स्टैमिनल वर्ल्स। क्लियर। तो दो हैं, एक है डिप्लो स्टैमोनस, एक होता है ऑब डिप्लो, ऑब डिप्लो स्टैमोनस, डिप्लो स्टैमोनस एंड ऑब डिप्लो स्टैमोनस, राइट। तो हम शुरू कर रहे हैं, डिप्लो स्टैमोनस मतलब दो वर्ल्ड्स होंगे स्टेमन के, दो, ठीक है, टू वर्ल्ड्स ऑफ स्टेमन्स, टू वर्ल्ड्स ऑफ स्टेमन्स। आउटर वर्ल्ड जो होगा वो ऑल्टरनेट होगा विद पेटल्स, ऑल्टरनेट कैसे, जैसे ये देखो ये पेटल्स हैं, ठीक है, तो आउटर वर्ल्ड ऑल्टरनेट विद पेटल्स, ये देखो यहाँ पे होंगे स्टेमन, ऑल्टरनेट ऐसे। सो आउटर वर्ल्ड इज ऑल्टरनेट विद पेटल्स, वेयर एज जो इनर वर्ल्ड होगा वो ऑपोजिट होगा पेटल्स के। इनर वर्ल्ड कैसे होगा, देखो ऐसे ऑपोजिट टू पेटल, देखो पेटल के बिल्कुल ऑपोजिट, देख रहे हो, राइट। इनर वर्ल्ड और जो बेटा इनर वर्ल्ड होती है ना, इनर वर्ल्ड इज ऑपोजिट टू पेटल्स, राइट, इट इज ऑपोजिट टू पेटल्स। वेयर एज ऑब डिप्लो स्टैमिनस क्या है बेटा, आउटर वर्ल्ड ऑपोजिट पेटल्स होएगी, ये ऑपोजिट है इसके, और इनर वर्ल्ड ऑल्टरनेट होएगी। सो हेयर ऑब डिप्लो स्टैमिनस में आउटर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड इज ऑपोजिट टू पेटल्स, वेयर एज इनर वर्ल्ड इज ऑल्टरनेट विद पेटल्स, alternate with the petals. For example in the plant named as geranium, geranium का purple color का flower होता है, and stellaria media plant, okay, और इसकी example है हमारे पास मुरैया, मुरैया कौन गाय, ये क्या होता है, कड़ी पत्ता, मुरैया कौन गाय। एंड एक और एग्जांपल है इसकी केशिया, मैंने इतनी बारी बता दिया केशिया फिस्टूला इज अमलतास, है ना, अमलतास केशिया फिस्टूला,
क्लियर। नाउ बेटा अटैचमेंट ऑफ, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ द फिलामेंट टू एंथर, कैसे कैसे अटैच हो सकता है वो। सो नेक्स्ट इज द अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू एंथर, क्लियर। तो कैसे अटैच है उसकी मॉर्फोलॉजी बतानी है हमें। फर्स्ट है पहले बेसी फिक्स्ड, मतलब क्लियर होगा नाम से, बेसी फिक्स्ड, बेस से फिक्स होगा। ये देखो ये हमारे पास एंथर के लोब्स, देखो फिलामेंट कैसे अटैच है यहाँ पे बेस से, दिस इज बेसी फिक्स्ड। सो एंथर फिक्स टू टॉप ऑफ द फिलामेंट, ये फिलामेंट है और एंथर बिल्कुल उसके टॉप पे है। एग्जाम्पल लाइक दैट इन रेडिश, राइट। फिर है हमारे पास सेकेंड टाइप, दैट इज डॉर्सी फिक्स्ड। बेटा डॉर्सल साइड पीछे वाली डॉर्सी फिक्स, ये देखो डॉर्सी फिक्स कैसे होगा, ये देखो ये एंथर की लोब दिखाई है मैंने, पीछे से दिखाया है फिक्स हुआ, वो देखो ध्यान से डॉर्सी फिक्स्ड, राइट, दिस इज कॉल्ड एज डॉर्सी फिक्स्ड, बैक से अटैच है डॉर्सी फिक्स्ड। और यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है पैसी फ्लोरा, इट इज़ कॉल्ड एज पैशन फ्लावर, इसको पैशन फ्लावर बोलते हैं। प्रूनस, नाशपति प्रूनस। थर्ड इज एडनेट, एडनेट टाइप। बेटा एडनेट में क्या होता है, फिलामेंट जो है वो कनेक्टिव के साथ कंटिन्यू रहता है, फिलामेंट रन ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ द एंथर। ये देखो ये एंथर की लोब्स हैं, बीच में क्या होती है, लोब्स के बीच में कनेक्टिव होता है। तो ध्यान से देखो ये कनेक्टिव है, कनेक्टिव के साथ ही देखो फिलामेंट अटैच है। देखो फिलामेंट इज अटैच टू कनेक्टिव, यानी कि फिलामेंट रन अप टू द एंथर लोब्स, फिलामेंट कनेक्ट्स टू कनेक्टिव या अटैच टू कनेक्टिव, इट्स बेटर टू राइट दिस, क्लियर। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल है वो है मैग्नोलिया की, और एक प्लांट है निम्फिया उसकी। फोर्थ टाइप इम्पॉर्टेंट है, ये प्लस टू में भी यूज़ होगी, वर्सेटाइल एंथर्स। क्या होते हैं, डायरेक्ट यूज़ होगी वहाँ पे टर्म, वर्सेटाइल एंथर होते हैं जहाँ पे फिलामेंट बैक पे अटैच है एंथर की, लेकिन बिल्कुल एक पॉइंट पे, ताकि वो फ्रीली स्विंग कर सके। ये देखो, ये देखो बस एक छोटे से पॉइंट से, इतने से, अगर वो इतने से पॉइंट से अटैच होगा तो एंथर हवा में फ्रीली स्विंग करेगा ऐसे ऐसे, राइट। सो फिलामेंट, फिलामेंट इज अटैच्ड एट बैक ऑफ एंथर एंड एंथर कैन फ्रीली स्विंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन ग्रासेज, या जितने भी जो प्लांट्स हैं वो अनीमोफिली शो करते हैं, मतलब विंड पॉलिनेशन शो करते हैं ना, उनमें वर्सेटाइल एंथर्स ही होते हैं, ओके। अब हम एंथर्स की एंड्रोशियम का लास्ट पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, वो है डिहाइसेंस ऑफ एंथर, राइट। डिहाइसेंस ये क्या होता है, डिहाइसेंस बेटा टूटना, ब्रेकेज, क्योंकि एंथर टूटेगा तभी तो पॉलन ग्रेन्स निकलेंगे, वरना पॉलन ग्रेन्स कैसे निकलेंगे। डिहाइसेंस मतलब ब्रेकेज, ओके। डिहाइसेंस ऑफ एंथर सबसे पहली इसमें है लॉन्गिट्यूडनल, वेरी इजी लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे देखो एंथर लोब्स हैं तो कट कैसे लगेगा, डिहाइस कैसे होगा, लॉन्गिट्यूडनल लाइक दिस, लेंथ वाइज। सो लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज ब्रेकेज ऑफ एंथर। ये लॉन्गिट्यूडनल की आगे तीन टाइप्स और हैं, लेटरल मतलब साइड्स पे ऐसे कट साइड्स पे लगे अगर, यहाँ पे लेटरल, इंट्रोर्स, इंट्रोर्स मतलब स्लिट ऐसे लगे कि पॉलन ग्रेन्स अंदर गिरें, राइट, एंड एक्सट्रोर्स स्लिट टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द पेटल्स। सो यहाँ पे जो स्लिट होगा कट होगा दैट इज टूवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द पेटल्स, टूवर्ड्स आउटर साइड ऑफ
पेटल्स, इंट्रोज टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ पेटल्स, लेटरल दैट इज बिल्कुल साइड पे, स्लिट टुवर्ड साइड। और लॉन्ग टेल डिहाइसेंस होती है मस्टर्ड में, क्लियर। सेकेंड टाइप ऑफ द डिहाइसेंस इज द ट्रांसवर्स डिहाइसेंस। तो एज अ नेम इंडिकेट्स, ट्रांसवर्स में कैसे होगा, ये देखो इस तरह से कट ट्रांसवर्स लगेगा, इस तरह से स्लिट ऐसे होएगी, ब्रेथ वाइज इन द मिडल लाइक इन दैट ऑफ लेडी फिंगर। बेटा लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम क्या होता है, लेडी फिंगर का साइंटिफिक नेम होता है एबेल मॉस्कस एस्क्यूलेंटस, नो नीड टू लर्न। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश नेम है इसका ओकरा, लेडी फिंगर का इंग्लिश नेम होता है ओकरा। नेक्स्ट है वेल्व्यूलर, वेल्व्यूलर मतलब वेल्व्स से ढक्कन खुलते हैं लाइक दिस, सो ब्रेक्स एट प्लेसेस एंड गेट लिफ्टेड बाय वेल्व्स। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, जैसे ढक्कन खुल गए ऐसे, तो यहाँ से पोलन ग्लैंड बाहर आ जाएंगे। वेल्व्यूलर जो होती है दैट इज इन द बर्बेरी। फोर्थ टाइप है दैट इज पोरस, कौन सी है पोरस, तो इसमें क्या होगा, ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से पोर्स बन गई और यहाँ से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, राइट। तो पोरस में देखो क्या होता है, लोब्स डिहाइस होंगी बाय पोर्स एट द टिप्स, टिप्स पे पोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इन कैशिया, अगेन कैशिया फिस्टूला। एंड फिफ्थ टाइप इज इरेगुलर, ये देखो इरेगुलर में कैसे होता है, कहीं से भी डिहाइसेंस हो जाएगी, देखो इरेगुलर कहीं से भी ऐसे इरेगुलर कट लग सकता है, राइट। और इरेगुलर की एग्जांपल है नाजाज, प्लांट का नेम है नाजाज। इसके साथ ही बेटा हमारा एंड्रोशियम वाला पोर्शन यहीं पे ख़त्म होता है, अपने नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे गायनोशियम। बाय बाय बच्चों।